भारत पाकिस्तान मैच के बाद से आए दिन देश विरोधी घटनाएं सामने आ रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिसको लेकर ये दावा किया जा रहा है कि छत पर लगा झंडा पाकिस्तान का है। बुधवार 10 नवंबर से ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसके बाद से एक एक कर हिंदू संगठन के पदाधिकारी और लोग आरोपी के घर के बाहर जुटने लगे। सोशल मीडिया पर फोटो और खबर वायरल होते ही गुस्साई भीड़ ने आरोपी के घर पर जमकर हंगामा काटा, तोड़फोड़ भी की। लोग नाराज थे, लिहाजा गुस्सा हंगामे में तब्दील हो गया। कई थानों की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर भीड़ को काबू में किया। हंगामा देख पुलिस ने 4 नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। वही एक आरोपी को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। यह मामला गोरखपुर के चौरी चौरा थाना क्षेत्र में रहने वाले तालिब के घर का बताया जा रहा है। आरोप है कि तालिब ने कुछ लोगों के साथ मिलकर अपने घर पर पाकिस्तानी झंडा फहराया। ये आज करीब 6 बजे शाम को ये जानकारी हुई कि एक तालिब और मुल्ला नाम के मुस्लिम व्यक्ति के आवास पे एक झंडा लगा हुआ है, जिसको पाकिस्तानी झंडा बताया गया। उस आधार पे यहाँ कुछ व्यक्तियों द्वारा FIR दर्ज कराई गई है, तहरीर दी गई है, उस पर FIR दर्ज की जा रही है और उस पर प्रॉपर विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, कुछ लोग हिरासत में लिए गए हैं, कितने लोग? जो भी लोगों के नाम इसमें दर्ज हैं वो सभी हिरासत में लिए जाएंगे और उनसे पूछताछ की जाएगी, उनको जेल भेजा जाएगा। यथोचित विधिक कार्रवाई जो भी है वो सुनिश्चित की जाएगी, किसी भी तरह से कोई ढील उसमें नहीं की जाएगी। गोरखपुर से गजेंद्र त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, UP तक।